actually calcium question number four, page number 205 of question number first का जो C part है 450 divided by 7 450 से 7 से तकसीम करो 45 करो सब ट्रैक 2 45 3 0 0 बना 30 7 4 0 28 अगर बोले 7 5 0 35 30 इस वर्ष 23 मतलब वो यूगो रिमाइंडर टू ड्राइ रिमाइंडर यूगो क्वेश्चन यूगो डिवाइजर मन चाहे चेक करो चेक करने के लिए मैंने जो कल आपको फार्मूला बताई थी क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर क्वेश्चन क्या दे रहा है 64 वेर बी डिवाइजर डिवाइजर क्या दे रहा है 7 प्लस रिमाइंडर क्या दे रहा है 2 7 4 जार 28 जो क्या है 7 6 जार 440 64 जिस पे जरब देमो 7 से थी जिसे हमा 448 प्लस 2 48 प्लस 2 गो 450 गो चेक करना पात इधर चेक और चेक करना पात रहा बे है 450 इन्हों मतलब वो सुना आंसर से करेक्ट सही अवन याद ये डिवीजन करान डिवीजन करने वीज पे चेक करो क्वेश्चन जारी भी डिवाइजर प्लस रिमाइंडर क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस आर क्वेश्चन रिप्रेजेंट करा क्यों से डी गो डिवाइजर आर गो रिमाइंडर ठीक है मल्टीप्लिकेशन टेबल पर 10 9 90 ये क्या हुआ ये चारो जीरो और बोन 10 0 0 0 0 तर क्या गो जीरो वो इस एक दिन रात से रिमाइंडर वन आज क्या लिखो इस और ये क्या गो क्वेश्चन या क्या वन डिवाइडर वन क्या करो चेक करने खातिर क्या फार्मूला क्यू जर बी डी प्लस आर क्यों क्या गो क्वेश्चन क्वेश्चन डी डिवाइडर आर रिमाइंडर क्वेश्चन का दरा बराबर है 90 जर डिवाइजर 10 प्लस रिमाइंडर कोता दरा जीरो इस पर इस चेक करो चेक करने पर क्या निकलना है 900 10 0 जर 0 है 10 9 जर 90 0 गोनी कहीं मतलब 0 गो 900 कर जीरो ऐड से कर गो बराबर 900 योर टीचर 900 गो हमारा जो हमने चेक किया चेक करने के बाद जो 900 निकला इसका मतलब है हमारा जो ये आंसर है वो करेक्ट है ठीक है हमेशा के लिए याद रखना है चेक करने के लिए हमने क्या फार्मूला याद रखनी है क्यू इंटू डी प्लस आर क्यू का मतलब है क्वेश्चन डी का मतलब है डिवाइजर आर का मतलब है रिमाइंडर ठीक है स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आप ये टॉपिक समझ चुके होंगे हमेशा याद रखो क्यू इंटू डी प्लस आर क्यू का मतलब है क्वेश्चन डी का मतलब है डिवाइजर आर का मतलब है रिमाइंडर